अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रहमत और बरकतों और फजीलत के साथ ये आज आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अशा मलिक के साथ। तो माय फूड सीक्रेट, आज मैं करेले गोश्त बनाने लगी हूँ, मटन और करेले। तो ये देखें, अब मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और टमाटर शामिल कर लिया। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना है, ये सालन थोड़ा सा था इसलिए फिर मैंने इसके मुताबिक थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड की हैं। तो अब ये गोश्त भुन जाएगा, थोड़ी देर में ये गोश्त भुन जाएगा। तो ये मैंने थोड़े से करेले बनाए हैं, तो उनको मैंने फ्राई किया। उसके बाद ये प्याज है, थोड़े से प्याज फ्राई किए हैं और थोड़ी सी हांडी मैंने कहा बना के। तो आपको जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स भेजें ताकि मुझे पता चले कौन कौन मेरी रेसिपी को देख रहा है। मैं थोड़ा सा ऑयल डालने लगी हूँ इसमें, क्योंकि प्याज और करेले फ्राई किए हुए हैं उनमें ऑलरेडी ऑयल है, इसलिए इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह गोश्त बन जाए। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से गोश्त बन गया। अब इसमें मैं थोड़े से करेले डालूंगी, ये जो मैंने फ्राई किए हैं, और फिर इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। इसका ज़रा ऑयल निकल ले, डालती हूँ। ये देखें नाजरीन, अब ये ऑयल निकल आया। ये जब ऑयल निकल आए तो आप समझें कि गोश्त जो है ना वो अच्छी तरह से भुन गया। फिर इसमें मैं ये करेले शामिल करने लगी हूँ। तो उसके बाद ये प्याज शामिल कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से पका लूंगी। थोड़ी देर ये चूल्हे पर ही रहेगा ताकि ये करेले और प्याज भी पक जाए अच्छी तरह, फिर इसको मैं डिश आउट करूंगी।